हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल हेल्थ में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं आपका दोस्त लखन चौधरी। और दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है ना, वो एकदम मेरी टोटल सभी जितनी वीडियो है सबसे अलग होगा। आज मैंने कुछ नई चीज़ इसमें एडिटिंग की है और कुछ नया मैंने कुछ एडिशनल डाला है। जी हाँ, मैं आपको बता देता हूँ कि आज का जो वीडियो है मेरा क्वेश्चनरी के ऊपर है। जितने भी मेरी प्रीवियस 10 वीडियोस हैं, जो मेरी 10 वीडियोस मैंने बनाई हैं, उनमें से आज मैं 10 क्वेश्चन ऐसे अपने जितने भी मेरे दोस्त हैं ना, जितने भी इंटेलिजेंट और जितने भी सुपर इंटेलिजेंट दोस्त हैं, उनसे वो मैं 10 क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। अगर मेरी वीडियो उन लोगों ने देखी है तो वो डेफिनेटली उसका आंसर दे देंगे। अगर नहीं देखी है तो फिर भी उनके पास में कहीं ना कहीं से नॉलेज तो होगी। लेकिन दोस्तों, जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा ना, बेईमानी नहीं करनी, चीटिंग नहीं करनी है। उसमें वीडियो को पॉज करके अगर आपको वो क्वेश्चन का आंसर आता है तो आपको वहीं कमेंट सेक्शन में करके बताना है, और अगर नहीं आता तो आप मेरे एक बार वीडियोस जाके देखिए, उनमें मैंने सभी के आंसर दिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट हो रहा है, अगर आप पहली बार मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं, पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना, उसके बिना मत आगे बढ़ना। तो चलिए ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को, और स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन बताना। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। हॉस्पिटल में कोड पिंक किस कंडीशन में अनाउंस किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 2। हमारी बॉडी के अंदर ऑलमोस्ट कितने प्रतिशत पानी होता है? क्वेश्चन नंबर 3। दूध में ऐसा कौन सा एजेंट पाया जाता है जो नेचुरल एक्सफोलिएटिंग का काम करता है? क्वेश्चन नंबर 4। कौन सी ब्लड कलेक्शन ट्यूब को उसमें सैंपल कलेक्ट करने के बाद 6 to 8 टाइम इन्वर्ट किया जाता है? एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ऑर्डर ऑफ ड्रॉ के अकॉर्डिंग 4th पोजीशन पे कौन सी ट्यूब के अंदर सैंपल कलेक्ट किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 6। ब्लड सैंपल कलेक्ट करने के लिए बेस्ट वेन कौन सी चूज करनी चाहिए जिससे बेस्ट तरीके से सैंपल कलेक्ट होता है? क्वेश्चन नंबर 7। रात को सोकर डेली सुबह उठकर हमें अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए कितने ग्लास पानी पीना चाहिए? एंड क्वेश्चन नंबर 8। हॉस्पिटल में हैंड वॉश करते टाइम हमें 7 स्टेप्स को फॉलो करना होता है, उसमें पहला नंबर स्टेप कौन सा होता है? क्वेश्चन नंबर 9। रात को सोते टाइम सबसे खतरनाक पोजीशन कौन सी होती है? और सबसे लास्ट में क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NABH? NABH की फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों देखिए, जितने भी मेरे दोस्त मेरे सभी क्वेश्चंस के सही आंसर देंगे और ईमानदारी के साथ में देंगे, उन सभी के लिए मेरी तरफ से एक ग्रैंड सैल्यूट होगा। और मुझे खुशी होगी कि मेरे दोस्त मेरी सभी वीडियोस को देख के इन्फॉर्मेशन गेन कर रहे हैं, अपनी नॉलेज को गेन कर रहे हैं। तो प्लीज़ ईमानदारी से आंसर देना, बेईमानी नहीं करना। और इसी के साथ मिलते हैं हम अगली वीडियो में, और जितने भी मेरे दोस्त कमेंट करके मुझे बताएंगे, मैं उन सभी का नाम अपनी अगली वीडियो आने वाली वीडियो में उन सभी का नाम अनाउंस करूंगा और उनका अपने दिल से शुक्रिया अदा करूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।